अभी अभी भागलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। भागलपुर में बेखौफ अपराधियों ने डीआईजी आवास के पास जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना शाम के करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। शहर के रेकाबगंज के रहने वाले रिजवान परवेज अपनी बहन से मिलने खंजरपुर जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। बता दें, भागलपुर में दिन दहाड़े हत्या लूट की वारदात आम हो चुकी है। आज डीआईजी आवास के पीछे घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे में भागलपुर पुलिस की मुस्तैदी पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे सिटी एसपी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। और हम लोग को कुछ पता नहीं, कुछ पता जमीन का कारोबार करता था और तो कुछ नहीं। किसी से ऐसा दोस्त मेरा भाई बहुत एकदम खर्रा खर्रा बोलने वाला था, रिजवान परवेज, रेकाबगंज मोहल्ला, रेकाबगंज। इधर किस लिए आए थे, जहाँ उनके साथ घटना? कुछ पता नहीं क्यों आए थे। बहन के आ रहा था, घर बहन के आ रहा था, हमारा तो पता भी नहीं कहाँ रहा था, अल्लाह को मालूम। हम लोग को कुछ आपका नाम क्या है? भागलपुर जिले में सावन की अंतिम सोमवारी पर गंगा स्नान करने के दौरान कई घरों के चिराग बुझ गए। भागलपुर के दो अलग अलग घटनाओं पर 4 किशोर गंगा स्नान करने के दौरान गंगा की तेज धार में बह गए, जिसको लेकर एसडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहला हादसा भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के बरारी पुल घाट का है, जहाँ दो मित्र रजौन के फंटूस कुमार और 0 माइल के गोपालपुर का दिलीप दास ट्यूशन पढ़ने के बाद गंगा स्नान करने पहुंचा। इसी दौरान गंगा की तेज धार की चपेट में फंटूस आ गया, जिसको बचाने में दिलीप भी गंगा नदी की तेज धार में बह गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वहीं दूसरी घटना जोगसर थाना क्षेत्र के बूढ़ानाथ मंदिर घाट की है, जहाँ एक लॉज में रहने वाले दो मित्र 16 वर्षीय विक्रम कुमार और 16 वर्षीय आदर्श कुमार बूढ़ानाथ मंदिर घाट पहुंचकर गंगा स्नान करने लगा, और इसी दौरान सेल्फी लेने वक्त विक्रम गंगा नदी की तेज धार की चपेट में आ गया। विक्रम को डूबता देख आदर्श उसको बचाने गया, तो वो भी उपंथी गंगा की धार में आ गया और दोनों किशोर देखते ही देखते गंगा की तेज धार में समा गए। स्थानीय लोगों ने दोनों घटनाओं की जानकारी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और लापता युवकों के शव के तलाश में जुट गई, लेकिन लापता चारों किशोरों में से किसी का कोई शव अब तक नहीं बरामद हुआ है। बाढ़ का दंश झेल रहे पीरपैंती प्रखंड के दियारा क्षेत्र के परशुरामपुर पंचायत में एक ही परिवार के 3 बच्चियों के बाढ़ के पानी में डूबने की खबर से उसके परिवार सहित पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। मिली जानकारी के अनुसार पप्पू मंडल की 3 बच्चियां बाढ़ के पानी में नहा रही थी। पानी की गहराई का सही अनुमान नहीं रहने के कारण तीनों डूबने लगे। ग्रामीणों के सहयोग से जब तक उन्हें बाहर निकाला जाता, तब तक 2 बच्ची गायत्री कुमारी व खुशबू कुमारी की मौत हो गई। वहीं तीसरी बच्ची अंजू कुमारी को गंभीर हालत में मुखिया पवन यादव एवं ग्रामीणों के सहयोग से रेफर अस्पताल पीरपैंती लाया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पीरपैंती के ही रानी दियारा से एक बुरी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पीरपैंती के रानी दियारा में एक नाव गंगा नदी में डूब गई, जिसके बाद नाविकों को जानकारी मिलने के बाद सहयोग से करीब 10 से 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाकी कितने लोग अभी पानी में हैं, कितने लोग लापता है, इसकी सही संख्या का पता नहीं चल पाया है। देखिए ये वीडियो। डूबी गया बच्चा।
यह रानी द्वारा कला रजकुमारी मंडल का था जो कि बीच गंगा जी में डूब गया है। लव पलटी करने के कारण गंगा में समाहित हो गया। बिग न्यूज लगातार अपने सब्सक्राइबरों से अपील करता है कि बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए अपने घर में रहे या फिर सुरक्षित किसी राहत शिविर में रहे। किसी भी कीमत पर गहरे पानी की ओर ना जाएं और ना ही छोटी नाव से गंगा नदी को पार करने का प्रयास करें। अभी गंगा नदी में स्नान करना भी जानलेवा हो सकता है। भागलपुर के नवगछिया में गंगा का विकराल रूप देखने को मिल रहा है और गंगा नदी के तेज बहाव के कारण नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर को गोपालपुर से जोड़ने वाला रिंग बांध लगभग 300 फीट कटकर गंगा की तेज धार में बह गया है, जिससे गोपालपुर और नारायणपुर प्रखंड के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए और लगातार कट रहे रिंग बांध की जानकारी मिलते ही प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना, डीआईजी सुजीत कुमार, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एडीएम राजेश जराजा, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, डीटीओ परवेज अख्तर और गणेश जी ओझा के नेतृत्व में एसडीआरएफ की पूरी टीम जल संसाधन विभाग के अधिकारी कटाव स्थल पर पहुंचे और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी ने हो रहे कटाव से बचाव को लेकर कई दिशा निर्देश अधिकारियों को भी दिया। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि गंगा नदी अभी भागलपुर में खतरे के निशान के ऊपर अपने रिकॉर्ड लेवल पर बह रही है और 2016 ईस्वी में बाढ़ में आए लेवल को पार कर चुकी है, जिसके कारण रिंग बांध ध्वस्त हो गया। प्रशासन तत्परता से बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चला रही है। जिले में बाढ़ के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 5 टीम को किसी भी गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए तैनात किया गया है। सभी संवेदनशील इलाके पर प्रशासन नजर रखे हुए है और इंजीनियर एवं बचाव दल अपना कार्य कर रही है। साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त ने रिंग बांध ध्वस्त होने से जलमग्न गांव के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने जीवन को खतरे में ना डालें और सुरक्षित स्थानों पर अपने परिवार के साथ शिविर में चले जाएं। कमिश्नर प्रेम सिंह मीना ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए अभी जिले में कुल 60 शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसमें 30,000 लोगों के लिए निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त ने पानी निकल जाने के बाद क्षति का आकलन कर क्षतिपूर्ति भी दिए जाने की बात कही। वहीं रिंग बांध टूटने पर पूछे गए सवाल पर प्रेम सिंह मीना ने जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही। सर्वोपरि है उसमें प्रॉपर्टी और बाकी सब चीज़ें उसके बाद में आती हैं, तो सबसे आह्वान है उसमें कि अपने जीवन को खतरे में नहीं डालें उसमें, और प्रशासन जो भी प्रचार प्रसार कर रहा है और उनको आह्वान कर रहा है उसका पूर्णतः अनुपालन। पानी का लेवल नीचे जाएगा तो उसमें फसल क्षति या रोड में या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में क्षति हुई हो उसका आकलन किया जाएगा और हर वर्ष दिया ही जाता है, जो भी असेसमेंट होगा उसके हिसाब से सरकार के मानदंड के अनुसार भुगतान किया जाएगा। तो समय के साथ बढ़ते 60 शिविर इस जिला में चल रहे हैं उसको, और आवश्यकता अनुसार उसको डेली बेसिस पर बढ़ाया जाए। उसमें कितना प्रेशर हुआ नहीं हुआ कोई भी चीज़ है वो तो रेवोल्यूशन हो ही सकता है, उसमें तो जांच का विषय है जब आएगा उसमें। नित नए वर्ष रोज तो कंस्ट्रक्शन वर्क किया ही जाता है उसमें, जो भी एरिया सेंसिटिव नज़र आते हैं वहाँ सरकार के लेवल पर प्रस्ताव भेज के उसको बनाया भी जाता ही है। पानी का प्रेशर क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसमें, बाकी इंजीनियर सब कर रहे हैं उसका असेसमेंट कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ आएगी उसमें एरिया में आए हैं। इस्माइलपुर बंद टोली जो है कटाव हुआ है, कटाव 2016 में जितना भी लेवल था वो लेवल तो पार होता हुआ नज़र आ रहा है। कटाव की विभीषिका को हम लोगों ने आज अपनी नज़र से देखा है। राहत पहुंचाने के लिए लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए उसमें एनडीआरएफ की टीम का भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था पटना से, उसकी 5 टीम भी मिली है।
तो द्रुत गति से जो भी राहत और बचाव कार्य है वो किया जा रहा है, लोगों का इसमें सहयोग भी मिल रहा है, प्रशासन तत्पर है इसमें, और जिनको इवैक्यूएट किया जा रहा है उनके खाने पीने के लिए और वो सब। भागलपुर जिला में कुल अभी करीब 30,000 लोगों को रसोई और इनके माध्यम से खाना भी खिलाया जा रहा है। नौगछिया के इस्माइलपुर को बिंद टोली से जोड़ने वाले रिंग बांध में 300 फीट से ज्यादा कटाव होने के बाद दर्जनों गांव में जल प्रलय की स्थिति बनी हुई है। रिंग बांध में लगातार हो रहे कटाव और इसके कारण दर्जनों गांव प्रभावित होने की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन अधिकारियों के साथ कटाव स्थल पर पहुंचे और कटाव का निरीक्षण करने के बाद बाढ़ पीड़ित गाँव का जायजा लेने और बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को जानने बोट से डिमहा सहित कई गाँव पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि कटाव की जानकारी मिलते ही तुरंत प्रभावित इलाकों में रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस विपदा की घड़ी में जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों की जान माल की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। जिलाधिकारी ने कहा कि इससे पहले भागलपुर जिले में एसडीआरएफ की एक टीम थी, लेकिन बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए दूसरे जिलों से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 4 टीम को भागलपुर बुलाया गया, जिसकी सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि बड़ी नाव पर बाढ़ में फंसे मवेशियों को निकालने का भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को 2 से 3 दिनों में जीआर की राशि दिए जाने की बात भी कही। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी जिले में 25 जगहों पर कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए इस्माइलपुर सहित आसपास के जगहों पर भी आज से सामुदायिक रसोई की शुरुआत की जाएगी। डीएम ने सभी बाढ़ पीड़ितों को फसल क्षति सहित किसी भी प्रकार की हुई क्षति की राशि देने की बात कही। जिलाधिकारी ने बताया कि फ्लड कंट्रोल विभाग के इंजीनियर लगातार पूरे कटाव क्षेत्र का मुआयना कर रहे हैं और जमींदारी बांध को बचाने और नौगछिया तक पानी ना जाए इसको लेकर कार्य किया जा रहा है। सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि गंगा के जलस्तर घटने के बाद कटे रिंग बांध की मरम्मती का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंगा अपने रिकॉर्ड जलस्तर को पार करने वाली है, जिसके कारण रिंग बांध ध्वस्त हुआ है। जब अप्रत्याशित स्थिति होती है, गंगा अपने उच्चतम जल स्तर के रिकॉर्ड को तोड़ रही है, तो दबाव अचानक से कहीं भी तटबंध पर बन जाता है। इंजीनियर लोग प्रयासरत थे, लेकिन विभिन्न कारणों से जो है वो सीपेज नहीं रुक पाया और जो है ये ब्रीच हुआ है। तो इसमें जो भी होगा जांच करके देखा जाएगा। इसके लिए विभाग के वरीय अभियंता हैं, वो लोग देख रहे हैं और उस हिसाब से आगे कार्रवाई होने की बात। वो विभाग के वरीय अभियंता हैं, विभाग के स्तर से इसको देखा जा रहा है। हम लोगों का मेन अभी जो उद्देश्य है कि जो भी लोग अभी दुख की घड़ी में हैं, जिनके घरों में पानी गया है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फायदा पहुँचाए, रिलीफ पहुँचा। कि इस बार जानवी चौक से लेकर के इस्माइलपुर तक एक नया तटबंध भी बना है 10 किलोमीटर में, जिसका काम पूरा नहीं हुआ है, लगभग 50% काम पूरा हुआ है। और जो ये पुराना बांध है इस्माइलपुर से बिंटोली तक का, इसका इस पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। लेकिन जो गंगा का जलस्तर है वो आप देखेंगे, जो उच्चतम जल स्तर है HFL है, वो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज से कल तक में वो उच्चतम जल स्तर को भी गंगा नदी जो आज तक का रिकॉर्ड रहा है उसको भी क्रॉस कर लेगी भागलपुर में। तो पानी का दबाव था और दबाव रहने के कारण जो अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है ये तटबंध टूटा है, लेकिन इंजीनियर सभी की टीम लगातार प्रयास कर रही थी, तो वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। मेन अभी हम लोगों का है कि जो रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें हम लोग गति दें, सभी लोगों को जो भी सरकारी सहायता है वो उपलब्ध करें। भागलपुर जिले में उफनाई गंगा ग्रामीण और दियारा क्षेत्र को अपने आगोश में लेते हुए शहरी क्षेत्र में घुस चुकी है। शहर के गोलाघाट, बूढ़ानाथ घाट, सखीचंद घाट, आदमपुर घाट किनारे बसे लोगों के घरों व कॉलोनियों में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। डूब चुका है, दूसरा फ्लोर पर हम लोग अरे हुए हैं, इसमें भी पानी घुसने की संभावना है। हो सकता है कि हम लोग को 1-2 दिन में सामान लेकर छत के ऊपर जाना पड़ेगा। दूसरा फ्लोर पे हैं अब? दूसरा फ्लोर पे हैं। इससे कितने दिन से फंसे? ये फंसे हुए हो गया करीब 1 हफ्ता। दूसरे फ्लोर पर भी पानी चढ़ गया? दूसरा फ्लोर पर भी पानी चढ़ गया। सामने सब पानी ही है। ऐसा कभी हुआ था? अभी नहीं हुआ था। 2016 में हुआ था, लेकिन इतना नहीं हुआ था जितना अभी है।
अच्छा नगर निगम प्रशासन अभी कोई कुछ नहीं आया है, कोई ना आया पूछने के लिए ना देखने के लिए। खाना पीना बाहर इतना पानी में जा रहे हैं, छाती के पानी ऊपर जा रहे हैं। बिहार में गंगा कोसी समेत सभी सहायक नदियां उफान पर है, यही वजह है कि अब जो गंगा है शहरी क्षेत्र में भी प्रवेश कर रही है। ये देख सकते हैं ये इलाका शहरी क्षेत्र का है, भागलपुर शहरी क्षेत्र का, और यहाँ पर गंगा जो है प्रवेश कर चुकी है, दूसरे फ्लोर में पानी आ चुका है। लोग जो है पहले फ्लोर पर आ चुके हैं और अपना आशियाना जो है छत पर जमा चुके हैं। इसके बाद जो है जो जिला प्रशासन के शिविर लगाए गए हैं वहाँ पर भी जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के जो शिविर हैं वहाँ पर ज़्यादातर ग्रामीण एरिया के लोग हैं, जो दियारा क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पर हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए भी जिला प्रशासन के लोग जो हैं अब शिविर लगाएंगे, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं शिविर लगाएंगे। लेकिन यहाँ की बात करें तो ये इलाका आप देख सकते हैं, ये इलाका हम दिखाना चाहेंगे, पुरानाथ का इलाका है, यहाँ पर मंदिर है। किस तरह से पुरानाथ मंदिर के पीछे शहरी क्षेत्र का ये पूरा इलाका है, यहाँ पर गंगा प्रवेश कर चुकी है। केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि गंगा के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी होती रहेगी। ये पुरानाथ का इलाका आप देख सकते हैं पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ऐसे हालात 2016 और उसके पहले जो कहा जा रहा है कि 1971 में ये हालात बनते थे। हमारे साथ हैं नाव वाले हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये हालात ऐसे कब, हालात ऐसे थे, ये स्थिति कब थी ऐसी, ऐसे हालात ऐसे 71 में था, 71 से भी पार कर रहा है। 71 में ये स्थिति थी, शहर के तरफ पानी घुस रहा था, उससे भी अब एकदम पार कर रहा है। 71 वाला को भी फेल कर दिया है, पूरा हालत खराब है, आदमी सबका क्या करेगा। आप लोग दिन भर गंगा में ही रहते हैं? दिन भर गंगे में रहते हैं, आते जाते हैं, बोर बीमारी सब यहीं इलाज करा के फंडेंगी भी लेके जाते हैं आते हैं। क्या अनुमान है कितना पानी रोज बढ़ रहा है? लगभग पानी बढ़ रहा है 6 इंची 7 इंची डेली बढ़ रहा है, रात दिन में लगातार बढ़ रहा है, घटने का कोई साधन नहीं बुझा रहा है, लगातार वृद्धि जाइए रहा है। नाविक थे इनका, जैसा कि इनका सुना आपने कि लगातार 6-7 इंची रोज रात दिन गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और गंगा जो है धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ चुकी है। शहर का जो निचला इलाका है, जो घर है, वो पूरी तरह से डूब चुका है। हालात अगर लगातार बने रहे तो हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं, जो शहरी क्षेत्र के भी जो लोग हैं, वो भी अब पलायन करने को भी बस हो जाएंगे। अश्वनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 के बाढ़ पीड़ितों ने अब तक सरकारी सहायता नहीं मिलने से आक्रोशित होकर साहिबगंज नाथनगर मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। भाकपा माले के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी कर आवाजाही को पूरी तरह से ठप कर जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने बताया कि 13 अगस्त को ही नाथनगर के CEO स्मिता झा को बाढ़ पीड़ितों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया था, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई भी राहत कार्य नहीं किया गया है। आक्रोशित लोगों ने जल्द से जल्द जिला प्रशासन से बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाए जाने की भी बात कही। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण सुल्तानगंज प्रखंड में बाढ़ अपना विकराल रूप धारण किए हुए है। कई जगहों पर गंगा का जलस्तर उफान पर है और जलस्तर बढ़ने से सुल्तानगंज प्रखंड के कई पंचायत सहित नगर परिषद के कई वार्ड जलमग्न हो गए हैं। सोमवार को नगर सभापति नीलम देवी, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार कई पार्षदों के साथ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा किए। वार्ड संख्या 21, 22, 23 और 24 के बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में अवगत हुए। पीड़ितों ने बताया कि खाना, पानी, शौचालय, नाव की सुविधा हम लोगों को मिलनी चाहिए। सभापति नीलम देवी, कार्यपालक अभिनव कुमार ने नगर परिषद क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को आश्वासन दिया कि जगह चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही भोजन के लिए सामुदायिक किचन की सुविधा व शौचालय, नाव की सुविधा मुहैया करा दी जाएगी।